नमस्कार, मैं हूं सुमन और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दही चावल बनाएंगे। ये रेसिपी गर्मियों के दिनों के लिए बेस्ट रेसिपी है और इसे बनाना भी आसान है और ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाना जितना आसान और सिंपल है, ये खाने में उतने ही टेस्टी भी लगते हैं। आज हम दही चावल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक गिलास चावल को अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर मैंने जो राशन का चावल मिलता है वो यूज़ किया है। आप कोई भी यूज़ ले सकते हैं जो आपके पास हो। अब हम इसमें 2.5 गिलास पानी डालेंगे। दही चावल के लिए हमें एकदम सॉफ्ट चावल बना के तैयार करने हैं, इसीलिए हम पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। चावल को पका लेते हैं। इसे हमें इसका पूरा पानी ख़त्म होने तक पकाना है। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और ऐसे किसी भगोले में भी बना सकते हैं। चावल अच्छे से कुक हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट चावल बन के तैयार हुए हैं। चावल को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 1.5 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 छोटी चम्मच जितना राई डाल दूंगी। राई को अच्छे से चटकने देना है। अब हम इसमें 1.5 बड़े चम्मच चना की दाल डाल देंगे और 1.5 बड़ा चम्मच उड़द की दाल डाल देंगे। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इन्हें हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो दालें डार्क कलर की हो जाएगी या फिर जल भी सकती हैं। दालें भुन जाने के बाद हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। 5 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने लंबा काट लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक कट करके भी यूज़ ले सकते हैं। 1 साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 चुटकी जितना हम नमक डाल देंगे। ज़्यादा नमक हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालेंगे। मिर्च डालने के बाद हमें इसे 0.5 से 1 मिनट तक ही लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ 0.5 से 1 मिनट। इसे भुनते हुए करीब 1 मिनट हो गया है और हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने 0.5 लीटर जितना दही लिया है, इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। दही हमें फ्रेश ही लेना है, खट्टा नहीं लेना है। अगर हम खट्टा दही डाल देंगे तो टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। दही को अच्छे से फेंटने के बाद मैंने इसमें करीब 0.5 छोटी कटोरी जितना दूध डाला था, वो वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने तड़का लगाया था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसमें दही डाल देते हैं और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम है तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, लेकिन मुझे बराबर लगा तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही चावल बनके तैयार हो गए हैं। इन गर्मियों के दिनों में आप ये रेसिपी अपने घर पर बनाइएगा और कैसी बनी है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।